अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी आपका दिल ये कहे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो खुद से एक सवाल पूछें कि किसके मुकाबले में आपकी जिंदगी मुश्किल। तब आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो आप जैसी जिंदगी की तमन्ना कर रहे हैं। फिर गर्दाब में फंसी कश्ती में भी आप सजदाए शुक्र बजा लाएंगे कि आप कश्ती में तो हैं। आइए इस पैगाम के साथ आज का शो शुरू करते हैं। आपको लेके चलते हैं टाइटैनिक के सेट पे और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। फिल्म बना रहे हैं वहां, हियर इन टाइटैनिक। भाई टाइटैनिक जो है वो समंदर में बनी है और हीर झंकी है। मैं मुख्तलिफ फिल्म बनानी थी। क्या मुख्तलिफ करेंगे आप फिल्म? जेम्स कैमरन का नाम सुने तुसी? जी मैंने बिल्कुल सुना। मेल गिब्सन? मेल गिब्सन नहीं होता, मेल गिब्सन। भाई जन तुसी पैसे लेंदे हो नाल जेर जबरन ठीक करी जाओ ना। अच्छा, क्या मुख्तलिफ लेके आ रहे हैं आप इस? मुख्तलिफ जरा सोचो, विलाइज करो, अपनी स्क्रीन वाली अखा करो जी, इधर देखो कि ए टाइटैनिक जी जी इथे रांझा बैठा हो। रांझा? हाँ। ते हीर चूरी लेके थे आवे, ते पिछो देसी म्यूजिक लगे, ते लोकी कमीजा लाके भड़का नहीं मार रहे। कैसी वाहियात आपकी इमेजिनेशन है भाई। उसी पट्टी नू तरक्की करनी नहीं देनी। ओ भट्टी साहब, कितना अरसा भी हीर रांझा बेचते रहेंगे, कोई नया सब्जेक्ट सोच ले यार। मेरा दिल करता है कि तुहानू मैं सुना ही देवां कि असीं भी कुछ चेंज दे रहे हैं। क्या चेंज दे रहे हैं आप? टाइटैनिक चढ़दियां हीर मारियां चीखां के बाबला असी डुब चले असी डुब। डुबना दे नाल असी सानू इह दस दे खुशी की कित्थे गाउणी आ? उह तूं मिट्टी खाणी। अच्छा हारून, टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जिसे हॉलीवुड तो आई डोंट नो कब का भूल चुका, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये बहुत से लोगों के सर पे सवार है। डाकुओं ने जंप सिखाना लिया। पाकिस्तान दे विच चूड़ियां ने टाइटैनिक नूं उठण नहीं दिता, हजे तां असीं बाकी जेवर नहीं बनाया। मुझे लगता है कि ये कॉमेडी मूवी बन रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह का आपका मिजाज है ना, आप कोई कॉमिक फिल्म बनाए। नहीं 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 नहीं, ये तुहानू मेरी गुफ्तगू तो लग रही है कॉमिक फिल्म है, लेकिन मैं कह रहा लोकी मुंह चुंगला पालनगे। वो क्यों? वे शुरू कितों हुई तो मुकी कितने वे? कहां शुरू होगी कहां खत्म होगी? मैं एंड तो शुरू कर। यानी फिल्म जो स्टार्ट होगी जी जी, क्या होगा उसमें? उथे लिखेगा दी एंड। चलो चेंज थोड़ी जी लैके सानू भी दे, पिछे पैसे भेजिए। आपकी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट कौन है? कौन है प्रोटैगनिस्ट? वो पाया कैमरे च कि नहीं? और भाई हीरो कौन है फिल्म का? प्लीज जरा क्लैप कर देना, जरा हीरो का दिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? जी बुलाइए बुलाइए। उधर दिल च सुराख है, जरा हौसला अफजाई है। जरा 1 2 3 हीरो। रांझे मजियां जराइयां डोली ले गए ने खेड़े लग गए नैन अबेड़। आहा हा, लग गए नैन अबेड़ वे, लग गए नैन अबेड़। अरे वाह, लग गए नैन अबेड़े। आपने हीरो बुलाना था, आपने सिंगर बुला लिया। सारे गाने मेरे को गवा रहे हैं, लिखा भी मेरे को रहा है, और मेरे को कपड़े भी तो आ रहे हैं। वो क्यों? और मेनू बाद दे टाइम कहंदा कपड़ा फट सारा जहाज साफ कर। वो क्यों? वो कहंदा रांझा एक काम जिहा सी काम करने ने, वो हुण मजा नवाउंदा सी जहाज, कित्थों मजा आ गया, कहंदा इन्हां नूं नवा। मैं कहा इन्हां नूं मैं नहीं नवाउणा। ओफो हीरो, मैं तेरे अंदर रोल उतार देना चाहना। तू रहन दे भाई, वो रांझा सी जिहड़ा 11 साल काम करके पैसे नहीं लै, मैं ते नाल नाल दिहाड़ी लैनी है। अच्छा वो मेरा हुण गाना जिहड़ा वंजली वाला कित्थे होना? जहाज दी टुम उत्ते। हैं? जहाज दी टुम उत्ते। ये जहाज दी टुम कित्थे होना? नहीं समझा हीरो। अपर डेक पे कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, डेक ते सी लियाई नहीं नाल। लो सर आ रहे ने। टाइटैनिक रहना वा। जैक, तू इन्ना सारियां नूं क्यों नहीं दसदा कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक आवे? ए डिलीवरी तू ही दे सकनी और कोई नहीं दे सकदा। हाय
कौन है वे जिहड़ा ऐनक पा के मेरे सामने बह गया वे इंज क्यों तकना पिया वे भैड़िया तेनू नहीं पता मैं जैक नू दिल दे बैठी हाँ भावे हूं दुनिया इधर दी इधर हो जाए तू क्यों वेखना वे मेरे वल्ले तू भी ना वे मैं इन्हां नू दिल उदो दित्ता जो मैं तेनू को आटा नहीं सी दिंदा रोज मैं तेनू बड़ा प्यार कर रहा भावे तेरा सिर तांबे वर्गा है मेरी अखां च वेख मैं तेरे नाल बड़ी मुहब्बत करना है भावें तू दस्ताने अपने प्यो वाले पाई है मैं तेनू जिंदगी भर नहीं छड़ांगा पर कपड़े तू कीड़े पाई है मैं वो रांझा नहीं जड़ा मझां चारदा सा मैं तेरी खातर टाइटैनिक ते आ गया वा जैक जैक यार तेनू की तकलीफ भाई की मसला है हेलो वे पट्टी साहब ये लव स्टोरी साड़ी चल रही है ताड़ी कट करो यार सारा मूड ही खराब करता यार इतना अच्छा एक्सपोज हो रहा साइंस तो थले हो तानू पता होर भी कैमरे लगे तुसी भी एक्सपोज हो रहे तुसी यार पट्टी साहब नो अच्छा काम नहीं करन दोगे यार पट्टी साहब पट्टी तू आज तक को अच्छा काम किया पट्टी साहब जी मैंने भी कोई सोनिया लाइना दियो मैं भी चाहनी है डायरेक्टर साहब मेरा भी दुनिया दे उते ना होवे लोकी कहन के ना अच्छा काम कर दिए मैं कहना के रोज तेरे को दिन भी थोड़े ने जल्दी जल्दी अपना नाम पैदा कर ला मैं ता ते से बहुत कीती ने हुन ते मेरा पुत्र भी कॉलेज जान लग पिया वे मेरा नाम पैदा होवे ना होवे पुत्र दा हो जाना ही फिर मैं ते अपने पुत्र आसे उत्थे रिश्ता करना है क्यों जित्थो मैनू इन्ने पैसे लब जान कि मैं अपने फिल्म ओ यार ये हेलो कवे कि तू बहुत गलत बोली जा पीछे बंदा एकदम मर जाना ही पट्टी नु अच्छा काम नहीं तू ही करन दोगे ओ माय द शोल्डर पट्टी साहब जी बाजी जी ओनू क्या कि मेनू मैं भी 2 महीने पट्टी रहा पट्टी साहब तानू ते पता होना चाहिए कि इस फिल्म से मैं रुपया रुपया किन्नी मुश्किल जोड़े है ओ बेफिक्र हो जा जिन्ना दे पुत्र जवान होन उन्हां नू मेहनत करन दी कोई जरूरत काट काट ओ तेनू अपनी मां दीयां मरियां कमेटियां क्यों नहीं भुलदी वही वो तुम्हारी हीरोइन है ते पट्टी ओ टाइम टाइम के खलो के रुपया रुपया इकट्ठा करन दी ओ नहीं तैनू रोज जी आज केड़ा शैंपू लाया ही क्यों ए दे विचो खुशबू पई आंदी है नहीं आज खुशबू आ ही नहीं रही ना ये टाइटैनिक है ना ये हीरा है हां जी अभी वो मां बेटा बन जाते हैं तो भी कुछ बन जाते भाई ए 25 ज़बानां जे डब होनी है क्यों किसे जी तो समझ आएगी पट्टी साहब 25 साल तो मैं तरस गई हां कि मैं गाना गुड 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 बहुत अच्छा है ऐसे पट्टी साहब कैमरा किथे कैमरा छोड़ दियो कैसे हमारे सामने मेलोड्रामा और ओवर एक्टिंग की बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है मेनू बा दियो मेरे गोडे च पीड़ होने लग पई है हुन पट्टी मेनू सच्ची सच्ची दस मेरे मुंह मां सही निकलदा मार डायरेक्टर साहब मुझे कोई फ्रेश जूस मंगा के दे मंगा दियो पट्टी साहब बाजी होनी अक्सर दवाई जूस ना ही खांदे ने डायरेक्टर साहब और कादमी म्यूजिक लेना साडे कोलो बस वेंड अप दा ओ तेनू इनी ठंड लगदी तू फेर फूका वाला काम करन देया मरे ओ लो लो एंच कर चलो भाई
आलू टिंडे तैयार हो गए खाओ। जाके जा मैं ते घर गुड़ी इस वजह तो ले आई हां के देसी घी वाले गुड़ वाले चावल पका के खवाने तुहानू। अरे बोले जी अपनी साडी सौंफ मैं कहनी है सौंफ विच सोगी। लो जी आज दे शेड्यूल सिर्फ सडन एक सीन रह गया क्योंकि आज असी माशाल्लाह सारा काम नहीं किया ते ओ हिर सीन तोड़ा ए वे के तू गाना गाना हजे किथे आ गया गाने मैं गाना ना करो आज तेरे गोड्या ही दर्द परसों करांगे। लो जी ए तुसी आओ जरा अटक रेडी अपना आओ इधर आओ इधर आओ। लो जी अचानक मां दी एंट्री तू एक बार यहां जल्दी कर ला इंजन ठीक है ला तो सो गई सी ना हैं अब मेरी पैर हिम्मत फड़ दे तेरी मेहरबानी आज दा शेड्यूल सारा कंप्लीट हो जाएगा जरा दर्द तकलीफ रोक के स्टार्ट साउंड जी ए कैमरा हां एक्शन। वे जैक वे जैक वे जेल दे विच तन मेरी एक वरी भी याद नहीं आई वे ओ जेला कटणियां को सौखियां नहीं आहा जदो जेल दी दाल मेरे सामने आंदी सी तू मेनू बड़ी याद आउनी से मां कट अरे तू मां ते परचा करा के नाल क्यों नहीं ले गया। नहीं ओथे जेल च मां बड़े बड़े नु याद आ जांदी भाजी। लो जी पट्टी साहब एक बारी माफी दे दियो अगर मैं हुन गलत करा ताडे मजीशना दा मरिया दा मुंह वेखा डन 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 इस फिल्म दे विच हर सूरत सानू ही मारना तुसी ते जेड़ा डायलॉग आंदा मौत साडी हुंदी यार पट्टी दी फिल्म ए जे एंड ते कोई डेथा नहीं होनी है ते पट्टी नु कौन मानेगा डेथा ते पट्टी साहब ए विलन का मजीशना सर साउंड कैमरा एक्शन ये एक्शन ही जैक वे मेनू इस दुनिया तो कढ के किते दूर ले जावे सिर्फ प्यार करने वाले होंगे और पांच छे किस्म दे जानवर होंगे उत्थे मां पुत्र नूं कोई जुदा नहीं कर सकेगा। ओ कट यार तेनूं मैं अपनी गोद ना ले लां तुसीं बाजी मुंह परे रखा करो क्यों क्यों इधर कर देना फिर मैनूं मां कहना ਤੁਸੀਂ ਕੋ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਵਾਓ ਉਹ ਸਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 35 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਸੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਵਖੋ ਨਾ ਸਰ 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 ਕੈਮਰਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਵੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕੱਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਓ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਓ ਸੌਰੀ ਫੇਰ ਘੱਟੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਓ ਫੱਟੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀਓ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਮਾਂ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਐਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਾ ਲੜੀਏ ਨੀ ਨੈਣਾ ਵਾ ਲੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਵਜਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਏ ਦਾਰ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠਾਈ ਪਿਆਰ ਨੈਣਾ ਵਾ ਲੜੀਏ ਲੀਏ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਟੀਨੀ ਨੀ 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 ਡੇ 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 ਕੱਟ ਡੇ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਹ ਹੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਦੀ ਗੋਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਿ ਟੂ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਪਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਚ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੜਕ ਬਣੇ ਬੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇ ਲਸੂੜਿਆ ਜਿਆ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਚ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇ ਕੂਲ ਮੈਨ ਕੂਲ ਮੈਨ ਓਏ ਚੋਰੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚ ਸ਼ਾਮ वेलकम बैक नाजरीन जी इरजा क्या खबरें आज खबर है कि घर का अलार्म बजने के बावजूद ना भागने वाले चोर को पकड़ लिया गया
अलार्म खराब हो गया जी? नहीं, अलार्म तो ठीक बजा लेकिन जो चोर था वो बहरा था, वो सुन नहीं पाया कि अलार्म बज रहा है। ओए होए, ऐसे ही बेचारा चोरियां करता रहा। ओदा बेचारगी की क्या बात है, ओदा पियो नु बचपन तो गए चोरियां ना कर, उन्हें सुनया ही नहीं। वो चोरी कर रहा था, पुलिस भी आ गई, घर वाले आ गए, लेकिन वो मगन रहा चोरी करने में। दिल्ली का वाकया है। अरे इतने फिल्म बननी चाहिए। कौन सी? घोड़ा चोर। अच्छा, ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिनमें मुझे जो पर्सनली पसंद है ना, बर्गलरी के ऊपर या रॉबरी के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, उनमें एक फिल्म है इनसाइड मैन। इनसाइड मैन जी, मुझे फिल्म वो अच्छी लगती है जो आखिरी मिनट तक आपको एज ऑफ सीट पे रखे। हाँ, वो उस तरह की फिल्म। भाजी मैं थोड़ा ना बहुत मशहूर है, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਦੁਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਚੋਰ ਦਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਆਪ ਸੇ ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋਏ ਬੋਲਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣਾ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਖਾ 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 ਖਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡਏ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਵੇ। ਬਾਜੀ ਖਾਲੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਪਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਚ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੜਕ ਬਣੇ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇ ਲਸੂੜਿਆ ਜਿਆ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਚ। ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇ? ਕੂਲ ਮੈਨ, ਕੂਲ ਮੈਨ। ਓਏ ਚੋਰੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਭੱਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਸਕੋ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਚੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੇ। ਅਜੇ ਅਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਪਤੀ ਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਆਪਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਾਲਿਆ, ਇੰਜ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੇ ਬੜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, पुरानी फिल्मों में ना गाइड वगैरह में देवानंद का कुछ बड़ा का करैक्टर हुआ। देवानंद, देवानंद देखने में तो बहुत मासूम लग रहा है जी। बाजी नु आवाज दी वजह तो पहले भी दो तलाका हो गई। अच्छा मेरे दसो, हां भला तानू किहो जा लगदा? देवानंद के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनका उर्दू का तलफ्फुज, डायलॉग की डिलीवरी। तुसी ते कहना रावियन सन। जी हां, ये तो एक बात दुरुस्त है। लेकिन शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एज एन एक्टर अच्छे थे लेकिन एज ए प्रोड्यूसर वो कामयाब नहीं हो पाए। एज ए प्रोड्यूसर इसलिए शायद कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कोशिश ये की कि सारा नया टैलेंट लेकर आगे आए और खुद हमेशा एज ए प्रोटैगनिस्ट आते रहे, जबकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते आपको। अमिताभ बच्चन ने इसी तरह बहुत अच्छा काम ये किया कि उन्होंने फिल्मों में अपनी एज के हवाले से, अपनी एज के मुताबिक रोल्स लेना शुरू किए, तो लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई। हूँ मैं बरी होया वहाँ। कैसे? इन्नी घंटे की बहस हो रही, मेरा केस नहीं लड़ रहे। अच्छा जी, इस केस के मामले में पुलिस ने क्या किया है? ये अलार्म वजह मैं नहीं पता लगा। नहीं नहीं, मुझे जरा इंस्पेक्टर साहब से बात करने दें। अजय के चुंगल में कोई चोर आ जाए तो कभी वापस नहीं गया। हाथी बड़े गंदे ने दे। क्यों वापस नहीं गया बताइए? वे बोर मरे। खाना खराब हो गया पुलिस वाला से। मुझे बताइए कि वाकया क्या हुआ? इनके घर में चोरी हुई, ये चोर चोरी करने आया और दीदी ने मुझे फोन किया है, फिर मैं आया। सर जी, गल करनी है जी। मैं बोला हुआ जी, लेकिन अब बंदा टोन से टोन बदल रहा है। अजय, इसको सजा दिलवाएं। आपके इलाके में चोरी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही? मैं इन चोरों के 14 तबक रोशन कर दूंगा। मुझ जैसे सयाद की कैद में आया हुआ परिंदा कभी इतनी आसानी से वापस नहीं जा सकता बाबू। तो परिंदे ने जाना है किदा वा जदों उन्हें भुखे मार देना। प्रकाश, तुसी क्यों नहीं बोलते पे?
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨੀ ਆ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 20 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਦਰਾ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੋੜੀਦਾ ਨਾ ਇੱਟ ਨਾ ਤੋੜੀਦਾ ਫਿਰ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਤੋੜੀਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੱਪ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਰਕੀ ਜ਼ੀਨੇ ਸੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟੀ ਪਈ ਹੈਗਾ ਤਾਨੇ ਪੜਵਈਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਾ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੜਵਈਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਵਈਆ ਅਰੇ ਲੈ ਆ ਪੜਵਈਆ ਲੈ ਆਵੇ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਵੀਦ ਪਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਚਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਤੀ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜਵਈਆ ਗਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੜਵਈਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਮਚੀਆਂ ਕਿਸ ਕੇ ਲਈ ਹਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਪਾ ਫਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਮ ਗਏ ਤੋ ਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਇਹ ਇਨਕੋ ਮਾਰ ਰਹੀ ਥੀ ਇਹ ਛੁੜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਇਨਕੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੀ ਥੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਬ ਗਏ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਨੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਹੂੰ ਕਾਨ ਸੇ ਸਮਾਦ ਕਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਨ ਸੇ ਸਮਾਦ ਕਮ ਹੈ ਕਭੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਵੀ ਸਮਾਦ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਵਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਬਾਬੂ ਹਾਂ ਮੰਬੂ ਕਿ ਸਮਾਦ ਇਸਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਤਾ ਮੈਨੇ ਚੋਰੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸ਼ਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਪਨਵਈਆ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਾਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪਨਵਈਆ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਕਹੀਂ ਮਤ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਬ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਮ ਕਿਤਨੇ ਸਿੰਗਰ ਮਾਰੋਗੇ ਹਰ ਘਰ ਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक खान साहब और उनके शागिर्द ने आप आज की मौसीकी और आज के मौसीकारों से बहुत नाला हैं और नए सिंगर्स के बारे में ये कहते हैं कि इनको सुर का कुछ पता नहीं आइए उनका शिकवा सुनते हैं क्या कहने मौला खुश रखे तानू आप बात तो ठीक तरीके से करें यानी कि तुसी अपने शो च सानू मधु कीता असी तानू मौला जान दे भी झोलियां चुक चुक दुआवां देंगे सर इस मधुमक्खी को आपने मधु किया जी 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 बेटा कद्दू मक्खी राम यानी कि असी अपना दुख सुनाना है इथे शागिर्द बात कर रहा है खान साहब पहले आप तो बात करें मरे मैं उस्ताद इतनी सर्दी से तुसी बाहर किस तरह आ गए हो क्या कहने पुत्र मैनू पता है मेरा खुदा आ जान बेटे इस किस्म की 24 कैरेट की धुंद पै रही है कारोबार भी मंडे ठहे हुए ठंडे हो गए फड़िया सही है तुसी भी ऐसा एंकर अब गल की समझ भी पूरी आउंदी है बेटे अपना खून जिथे होएगा जो उस ते मारेगा
तुम कितने सिंगर मारोगे, हर घर से सिंगर ले। अरुण साहब यानी के मंगाई दा वो मकाम है क्या, देसी आंडा पिछले साल जी जी मैं किन्ने दा लिया सी? साहब जी लिया नहीं सी, तुसी सिर्फ पुछिया सी। यानी के हुण पुछिया भी नहीं जांदा तुहाडा, ते झूठे तो फड़िया गया खान साहब। लो साडे को डायनासोर दा ले लो। पुत्र मैं नहीं लेना खरे, किड्डी मुश्किल दिता ही। बेटे शो चाहे चादर उत्ते दई दी, पता लगे भी उस्ताद। मैं कहना खान साहब तुसी मरण वाली गल करो, चादर बहुत है। मरे बड़ा देगी लोयर की चादर का मुंह है तेरा। खान साहब बड़ियां पुकला मारियां, बर्फ का कारोबार है। काले खान तेन ते ठंड लगती नहीं, तेन ते पूरा महला सेक रहा। खान साहब दोनों ने चादर लाइया, कुक्कड़ चुक दे महल चो। क्या कहने पुत्र, तू बड़ी अच्छी गल की, कुदरती मेरे को पैसा कोई नहीं। जो हालात है हरूम, यकीन कर कम मंडे ठहने, कोई फंक्शन नहीं जी। धुंदा दे राज जी जी, उतो कोई नवा वायरस निकल आंदा है, कदी डेंगी, कदी अग्गां लगियां ने, कदी जलजले, कदी बारिशा, कदी बर्फा। मरे इत्थे कोई जवान जी खेड रहे। मैं तुहानू एक सताई सुणाना, ए मुंडा मैनू सुणा के विखाए जी। सुनाइए चैलेंज है मेरे उस्ताद दा। क्या कहने लै पुत्र, आस देनी है तू? मैं पूरी बाद बाद के नहीं गाना, तू हमेशा घट घट के गाता। आस देनी है, जे उस्ताद बेहोश हो गया तो सांस भी तू ही देना। क्या कहने जी, जी किन्ने दा बुढ़ा अंग्रेज लिया जी। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मन दा नी लक समझाया, दिल मन दा नी लक समझाया। मेरे मन दा मरे दिल कवे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, कर गारे रेसा सारे सारे कैसा। लाको बोल जी, ए मुंडा हुण मैनू कह के विखाए। लो उस्ताद जी, मेरे को तलवार हुंदी ना ताडी धौन ते दाद देनी सी मैं। बेटा तलवार मुगलां दे बच्चियां कोल हुंदी, तू धुंदलियां दा बच्चा है। उस्ताद जी। जी बेटा। आप बच्चे दे कपड़ियां तो लगता 007 को राग सिखिया इन्हें। बच्चा जी उन्होंने कहा ये बच्चा मुझे गा के सुनाए, यही है स्थाई, आप गा के सुनाए। बहरहाल बच्चा तो नहीं, ये भी खुद भी बच्चे वाला। एहो जिहा बच्चा गाना नहीं बधाउण डिया, कालर बधाई जाण डिया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदारवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, जी कर वेखदारवा, किन्ना सोना। आपने तो कहा था ये बच्चा गा के सुनाया, उसने गा दिया। यही तो बरकत है शो दी, देखो गाया कि नहीं गाया। ऐसा गाँवदा है, इनू अकरम राई का भी गाना दे दियो, विच कुछ होर पा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि खान साहिबान किसी की तारीफ करने में इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं? आपस में जो करीबी होते हैं वो तो सदके वारी जा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन किसी नए को आने का मौका नहीं देते। हाँ। असी लड़ाई झगड़े चाहे इधर उधर होने सामते सारे कट्ठे ही होने। जब कोई बहुत अच्छा भी गाए ना तो इनकी मैक्सिमम तारीफ सिर्फ ये होती है। नहीं देखो जब सारा गाना सुने जी, सरैया मुल्तानी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े गुलाम अली खान साहब, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान च मेरे उस्ताद वर्गा कोई नहीं गाँव। क्या कहने सारे इन्हों तो अच्छा गाँव है। ना मुराद कहना मैनू लै चल शो च, मैं ताड़ी ओ मतलब के तरीफा दे पुल बनते हैं। तरीफा दे पुल की कहना सी, आ गया सी टोपी मैनू दे दो आप वाली। तुसी सारे खान साहब हर गल च इंजन करता है, इहदे ते दो कतल पे ने। वो कैसे? इहदे महल्ले च कतल हो गया, पुलिस वाले ने पुछा तुसी कीता, कहंदा ए बेटे हुण तेरी वारी, असीं कहण वाले ही आ। और उस्ताद दी शक्ल वेखो जरा गौर ना जी जी, उत्तों हरी चादर लई है जी जी, माशाल्लाह गानी वाला कां पहली वारी वेखी। बहरहाल हरून साहब सानू सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, ते यानी के बिजली चाहीदी है, होर असीं की मंगण दे आए आ, समझी।
ये तो फॉलो करी दी जी, फॉलो, वाह वाह जी, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान को ये चीजें चाहिए। खान साहब नु चाहिए अल्लाह को सिर्फ सा मंगे। नहीं, ये मुद्दा तो कुछ और लेकर आए थे शो जी में। आप तो आए थे कि आपको नए सिंगर्स पसंद नहीं है। आज की मौसीकी में क्या मसला है? देखो जी, मेरे उस्ताद जड़े गाउंदे कसवी गाना गाउंदे जी। नहीं, गुफ्तगू तो बाद के कर रहा है, शो तो बाद मैं दे रहा शागिर्द होना। मैं कहना भी साढ़े दौर च इन्नी मुन्नी बदनाम नहीं हुई जिन्नी इस दौर च हो रही। खान साहब, नया गाना जो है, नई मौसीकी जो है, वो नई नस्ल को अगर अच्छी लग रही है तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहना हरूण है इस गाने की जिंदगी कोई नहीं। हाँ, और उस्ताद तेरी भी कोई नहीं। उस्ताद जी, मुन्नी बदनाम होता तो दुख होया है। मेरे ख्याल मुन्नी के वारस ने। यकीन करो, किसी बंदे नू फांसी होती है कोई रस्सा भी गाल च पा देंदे। जी जी, इहो जिहा बंदा इन मौके ते पहुंचदा, एक मिनट ठहर जाओ, रिहाई दे कागज आ गए ने। अच्छा, फांसी फिर हो जाती। क्यों? कागज होर चुक लिया, वो घर छड्ड आया। पर हाल इस काम ते गौर, क्योंकि फन्ने मौसीकी मरनी नहीं चाहीदी। जी जी, वाकई साडी सकाफत है, मर भी नहीं सकती। देखिए, आलम साया मुल्क भी साडा गाना चोरी कर रहे है। जमालियात की जो हिस है वो कुदरती तौर पर हर इंसान के अंदर मौजूद है, इसलिए मौसीकी मर नहीं सकती। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहता हूँ कि जो कौमें अपनी सकाफत भूल जाती है, लोग भी उनको भूल जाते हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी। आप अगर मुंह कम भी हिलाते तो ये बात दुरुस्त है आपकी। प्रॉब्लम है, गल करदे हैं करदे हैं तो मुंह टुर पैंदा है। ਇਹ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਚ ਮਾਕੇ ਬਹਿ। ਕਿਉਂ ਫਾਕੇ ਫਾਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ। अच्छा जी, ये जो ड्रम्स पे बैठे हैं, हाँ जी, ये आपके क्या लगते हैं? मैं कहना कि आला लोग ने दुनिया ते जी जी अल्लाह ने भेजे ने जी, शायर मौसीकार म्यूजिशियन ऐसे तखलीककार इत्थों पैदा होने ने। यार, आप इतना सर क्यों हिलाते हैं? यानी कि जेड़े साडे मुल्क दे रोल मॉडल ने उन्हां तक गल ते पहुंचनी चाहीदी है। ओ खान साहब, बस करो थोड़ा जिहा अगे, तो साहब दा कोट टुक देना तुसीं। मरियो साडे वर्गा उहदे कोल कोहड़ा एक है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਣਾ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਗਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਈਏ? ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਈ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਈ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਖੈਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ USB 'ਚ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਸਬੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕੇ ਸਾਥ ਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲੇ ਸਫਾਈ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਿੱਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਆਜ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਮਧੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜ਼ ਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਇਸੀ ਮੋੜ ਪੇ ਤੁਮਨੇ ਮੰਗਾ ਕੀਆ। ਸਾਹ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਖੂਬ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਗ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ। ناظرین، یہ تھا آج کا شو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔